सनमानी सूरज, टाइगर मानी चीता, अम्ब्रेला मानी छाता, बैन मानी गाड़ी, याक मानी यब्रा मानी। जालौन जिले के मकरनपुर गांव के गोविंद सिंह बचपन से ही दिव्यांग हैं। सन 2008 में एक उम्मीद की किरण जागी जब किसी ने उनको उदयपुर में दिव्यांगता के इलाज के बारे में बताया। गोविंद इलाज कराने उदयपुर गए लेकिन उनका इलाज सफल नहीं हो पाया। गोविंद निराश हो गए लेकिन फिर उन्होंने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। गोविंद ने तय किया कि वो गांव के गरीब बच्चों को अंबेडकरवादी शिक्षा देंगे। वो बच्चों को एक घंटा क्लासरूम सिलेबस पढ़ाते हैं और एक घंटा संविधान की शिक्षा देते हैं और अब तक 500 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। जब मैं पैदल अपने घुटनों के बल जाता था स्कूल, वहाँ पे बहुत कीचड़ रहता था, इसके लिए मेरी माँ मुझे गोदी में लेकर वहाँ स्कूल छोड़ती थी। धीरे धीरे मैंने बैसाखी का सहारा लेना पकड़ा और मैं धीरे धीरे उससे चलने लगा तो मैं स्वयं धीरे धीरे स्कूल जाने लगा। मैं उरई रामनगर ईदगाह के पास जो हॉस्टल है उसमें भी रहा हूँ और मैंने DVC डिग्री कॉलेज से वहाँ से BA किया है। इसके बाद में जब मैं घर पे स्थिति ख़राब होने के बाद, मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद स्थिति ख़राब हो गई तो इसके बाद मैं घर पे आ गया, घर पे रहने लगा। जब मैंने देखा बच्चों को तो घूमते फिरते रहे तो मैंने सोचा इन बच्चों को भविष्य के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए मैंने उनको पढ़ाना चालू कर दिया। स्कूल में सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती है, बच्चे घूमते रहते हैं लेकिन टीचर कुछ कहते नहीं हैं। हमारे यहाँ आज से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम 500 बच्चे पढ़ चुके हैं और वो इस समय कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं। जो हमने पढ़ाए हुए बच्चे इस समय कोचिंग भी कर रहे हैं। मैं अपना छोटी सी दुकान से प्लस ट्यूशन प्लस विकलांग पेंशन के द्वारा अपना और माता जी का गुजर बसारा करता हूँ। इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल क्यों नहीं मिली आपने? क्या इसलिए नहीं, मैंने अप्लाई किया था लेकिन उसमें 85% विकलांगता मांग रहे थे क्योंकि मेरा जो आई कार्ड था विकलांग सर्टिफिकेट वो खो गया था। कोई रोजगार करके अपना जीवन यापन कर सकूं और साथ में बच्चों को भी शिक्षा का प्रदान करूँ। बाबा साहब से हम लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। जैसे उन्होंने शिक्षा के विषय में और दलित वर्गों के विषय में, छुआछूत के विषय में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है बाबा साहब को। हम बच्चों को यही संदेश देना चाहते कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो बाबा साहब के आदेशों और उनकी प्रेरणा के अनुसार अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच नाम का एक संगठन चलाने वाले कुलदीप कुमार बौद्ध ने बताया कि गोविंद बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच से जुड़े हैं जिसके अंतर्गत जय भीम एजुकेशन सेंटर का संचालन होता है। इस एजुकेशन सेंटर में कुछ शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके बाद वो बच्चों को एक घंटा क्लासरूम सिलेबस और एक घंटा संविधान से संबंधित शिक्षा देते हैं। उनकी पढ़ाए हुए छात्र खुद दूसरों को पढ़ा रहे हैं और अंबेडकरवादी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं।